तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो भाई एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हो रही है सुबह सुबह बारिश। और तुम्हारा भाई सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भाई सडन प्लान बन गया कि फिर से निकलते कहाँ, बस समझ जाओ पहाड़ों की तरफ। तो पहाड़ों की तरफ बस निकलने भाई जा रहे हैं मसूरी, क्योंकि यार दो दिन की छुट्टी सैटरडे संडे में आई थिंक मसूरी ही हो सकता है। तो बस ऐसे मूड बन गया, कहते हैं चलो भैया मसूरी घूम के आते, क्योंकि अभी उधर के उस साइड के पहाड़ वगैरह अभी सेफ है और मसूरी ज़्यादा ऊंचाई पे है भी नहीं। तो बस चलते हैं भैया मसूरी। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, आवाज़ लड़ पड़ा गई। सो गाइस अभी हम लोग निकल दिए हैं यहाँ से मसूरी के लिए और अपने गाड़ी का फ्यूल अप भी हो गया। फ्यूल अप हुआ भाई ऑटो कट तक 3800 रुपए का, क्योंकि ऑलरेडी पहले कुछ फ्यूल पड़ा हुआ था। तो अभी 800 कुछ किलोमीटर दिखा रहा है, तो मसूरी यहाँ से कुछ है 295 और आगे पीछे उधर जितना चलना होगा हो जाएगा। तो अभी के एवरेज से अगर देखी जाए तो गाड़ी अपनी जाएगी और वापस भी आ जाएगी, सही भाई और क्या चाहिए। बाकी मौसम एक नंबर हो रखा है, आप देख सकते हो बादल, सुबह बारिश भी हो रही थी बट अभी बारिश बंद है और ठीक है मौसम, ठीक है ठंडा है तो अच्छा ही है। जाते टाइम जितना ज़्यादा फील भी नहीं होगा और ऊपर पहाड़ों पर तो आपको पता ही है कि इस टाइम बारिश हो रही। तो कोई नहीं, अपने होटल वगैरह सारा बुक है ही है, बस वहाँ पर जाना है, चेक इन करना है और सो जाना है। ये ट्रिप एक्चुअली बन रही है बस भाई रेस्ट के लिए, ठीक है। बाकी रोड ट्रिप थोड़ा सा बना दूंगा, ये आप एंजॉय कर लेना, ठीक है। बाकी ये ट्रिप सिर्फ और सिर्फ रेस्ट है, बस रेस्ट एंड पीस, शांति चाहिए। शांति की खोज में निकले हैं, लड़की नहीं, वो शांति, समझ रहे हो ना, तुम लोग गलत ही समझते हो हमेशा। तो चल रहे हैं खोज में और बाकी मौसम एक नंबर है। तो चलो भैया चलते हैं, आप रोड के मजे लो। ओ भाई ये तो वाला हो गया रेस्ट इन पीस। ओ भाई तो गाइस जब भी हम रुके हुए हैं चीतल ग्रैंड में, जब भी आप हरिद्वार ऋषिकेश के साइड जाते हो ना तो ये बीच में पड़ता है भाई, यहाँ पे खाना जरूर खाना, मतलब खाना खा लो, नाश्ता कर लो, चाय पी लो, जो भी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर यहाँ से सीधा मसूरी। सो गाइस ये देखो इधर अपना कालू खड़ा, ये रहा जिमनी भाई, इसके तरफ भाई निगाह भी नहीं गया, मैं बगल से निकल गया ना इधर से गाड़ी के, पता भी नहीं लगा भाई जिमनी खड़ी है। ये रहा अपना कालू, देख रहे हो बहुत फर्क है भाई दोनों गाड़ियों में। तो बस अपना खाना पीना हो गया भाई, भाई इसकी हाइट भी कम है, इतनी सी है, बिल्कुल पिद्दी सी, बहुत छोटी सी गाड़ी है, शीशे वीशे भी अजीब ही दिख रहे हैं। भाई ये रहा अपना कालू, तो चलो भैया बैठते हैं निकलते हैं यहाँ से। गाइज अभी हम लोग सहारनपुर पहुंच गए, मतलब सहारनपुर ही चल रहा है उससे आगे, और पता नहीं क्या छोटी सी जगह कोई कोटा वोटा है सहारनपुर में। रोड तो अच्छा है बट पता रोड के बीच बीच में ना कुछ कट रहा है, कट से कब कौन सा बंदा, कब बाइक, कब पैदल आदमी आ जा रहा, कुछ पता नहीं लगता। तो ठीक है बाकी अपना, बाकी ये देखो साइड साइड से ऐसे घर वर बने भैया बिल्कुल सड़कों पर। और अभी अपना डेस्टिनेशन कुछ है मसूरी, 101 किलोमीटर अभी यहाँ से, जो कि लगने वाला है 3 घंटा 16 मिनट जिस हिसाब से हम पहुंचेंगे 2:45। और उसके आगे अपना होटल शायद मसूरी से थोड़ा ऊपर है, तो वहाँ भी लगा लो वही कोई लग जाएंगे 25-30 मिनट और ऊपर जाने में। बाकी देख लो ये सामने से रॉन्ग साइड से साहब लोग आ रहे हैं और पट से एक शॉट लग जाएगा इनको, सीधा विद्रामपुर चले जाएंगे। बाकी कालू का परफॉर्मेंस लेवल अभी भी ओके है, कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी चल रही बढ़िया और रास्ता भी अच्छा है। और बीच बीच में धूप है, कहीं छांव है, कहीं बारिश, कहीं बादल, ये तो शायरी हो गई। चलो भैया चलो।
गाइज अभी पहाड़ चालू हो चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हो मसूरी दिखा रहा है 54 किलोमीटर, चकराता भी है, तो भाई सही है माहौल पूरा चल रहे भैया। अब पहाड़ चालू है, अब गाड़ी हो इधर उधर करेगी अपना दाएं बाएं, यही है बस, घूमते रहो घूमते जाओ, एक पहाड़ चढ़ो फिर उतरो फिर चढ़ो फिर उतरो, यही चलेगा। पता है मसूरी ज्यादा ऊंचाई पे तो नहीं है, बट कुछ ही किलोमीटर में ना बहुत ज्यादा ऊंचाई ये कवर कर लेता, मतलब किलोमीटर अगर देखे जाए बहुत कम है, बट उसमें ना बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ले जाता गाड़ी, मतलब मसूरी बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, थोड़े ही पहाड़ी चढ़ते ही देव रहा। वाह भाई मस्त, फिर से गाइज आ गए हम पहाड़ों पे, क्या करें यार घूम फिर के पहाड़ ही पसंद आते मेरे को। चलो भाई चलते, इधर भी हरियाली बहुत है, उत्तराखंड के पहाड़ों पे हरियाली बहुत है नो डाउट। गाइज अभी हम बस पहुंचने वाले हैं अपने होटल रिजॉर्ट जो भी कह लो भाई, होटल तो ऐसी जगह है ना भाई, पूरा व्यू मिल रहा, पूरा व्यू मिलेगा देहरादून का, दिखाऊंगा आपको, बस कमरा अच्छा सा मिल गया, बाकी तो भाई रोड इतने पतले, बट इधर गाड़ियां भी तो नहीं आएंगी भाई, होटल वाले तो आएंगे इधर, है ना आएंगे, हमारी आ रही, बट है जगह है बीच बीच में, अगर मान लो दो गाड़ियां आती हैं तो एक गाड़ी साइड करके दूसरी निकल जाएगी आगे पीछे कुछ ऐसे करके। Let's see कि हमारा प्रॉपर्टी किधर है भाई। तो गाइज अभी हम पहुंच गए रिजॉर्ट पे, ये पीछे रहा स्टर्लिंग हॉलीडेज, ठीक है बहुत शांत मतलब जगह है, और यहाँ से जो व्यू मिलेगा बहुत ही बढ़िया, इसीलिए अपन ने किया भाई, सामने दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा होटल, ठीक है इस तरह से कुछ एंट्रेंस है इसका, और यहाँ पे अच्छी खासी पार्किंग भी मिल जाती है, ठीक है, और नीचे जाके होटल भाई, और जहाँ से व्यू मिलेगा पूरा स्टर्लिंग हॉलीडेज डिफरेंटली मसूरी। और गाइज ये है कमरे से बाहर का व्यू, आप देख सकते हो भाई, ये देख रहे हो नीचे, ये पूरा पूरा देहरादून यहाँ से दिखेगा, सीरियसली भाई पता, अगर ऐसे मॉल रोड वगैरह से हट के आप लेते हो तो सुकून के पल आप यहाँ बिता सकते हो भाई, अगर यहाँ पहाड़ों में भी आके ऐसी जगह पे फिर कमरे उमरे लो तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना, इस बार तुम्हारा भाई बस सुकून लेने आया, तो हल्की फुल्की वीडियो भी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है, बाकी देखो इस तरह से कुछ व्यू मिलता है यहाँ से मस्त। तो अभी गाइज थोड़ा सा थके होके हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, कुछ खाते वाते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे भाई। चलो फटाफट से आपको रूम टूर दे देता हूँ, ऐसे यहाँ से गेट से घुसोगे राइट साइड में कबर्ड है जिसमें पिलो और ये उड़ने उड़ने का बाकी ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, फिर आप यहाँ से आगे बढ़ते हो भाई, ये देखो माइक्रोवेव और किचन टाइप का छोटा सा दे रखा जिससे आपको हाथ वाथ धुलने में दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने देखा भाई बर्तन वर्तन धुलने का भी दे रखा है, बाकी ये होता ही है चाय वाय बनाने का, ये देख लो भाई कप प्लेट प्लेट्स वगैरह पहले से ही पड़ी हैं, ओवन में गर्म करने वाले कांच के बर्तन, ठीक है, और एक छोटा सा फ्रीजर। फिर यहाँ से इधर बढ़ते भाई वाशरूम दिखा देता हूँ, वाशरूम में घुसते हैं कुछ इस तरह से बड़ा सा ये हेयर ड्रायर और इस तरह से कुछ ये शैम्पू शैम्पू पड़े हैं भाई, ठीक है यूज कर लेंगे, बाकी ये टॉवल टूबल और वॉशरूम यहाँ से अलग दे रखा है, आ जाओ भाई। कमरे में घुसने पे कुछ इस तरह से भाई अपना छोटा सा बेड, इधर लैम्प, एसी,
और ये हमारे बैग वैग रख दिए, ये टीवी, फिर एक बड़ा सा मिरर इधर भी है, एक सोफ़ा भी दे रखा जिस पे हम बैठ सकते हैं गाइस। और यहाँ से निकलते ही ये है जन्नत, छोटी सी बालकनी है बट सही है, और यहाँ से पूरा व्यू ठीक है। तो ये था पूरा रूम टूर गाइस। अभी भाई थक गया हूँ और आई थिंक अभी तक ब्लॉग भी लंबा हो गया होगा काफ़ी, तो भैया यहाँ तक देख लिए हो तो बस अब इस ब्लॉग को क्या करते हैं, एंड करते। और यहाँ तक आपने देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत।